आपका हमारे चैनल न्यूज़ ब्लास्ट में स्वागत है। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकॉन को दबाना ना भूले ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। वेलकम बैक वंस अगेन जी। ब्रेक पर जाने से पहले डिस्कशन हो रही थी कि बैन अलावामी सतह का अगर हम बात करें पर बात करें तो इंडियन मीडिया बड़ा सरापा एहतजाज है, बिलखसूस डर्ग से गए और कहते हैं जी कि इमरान खान साहब अगर आते हैं, जो कि आ भी गए हैं बतौर वजीर आजम पाकिस्तान, तो इंडियन जो इंटरेस्ट है वो सबूताज होंगे। जैद हामिद साहब, आप पे मैं सवाल छोड़ा था और ब्रेक मैंने ली थी, सर इंडिया को क्या खतरा है इमरान खान साहब से? अपनी स्पीच में तो उन्होंने कह दिया है कि इंडिया एक कदम बढ़ाएगा, हम दो कदम बढ़ाएंगे। इंडिया को प्रॉब्लम इमरान खान से नहीं है, इंडिया को प्रॉब्लम इस नैरेटिव से है कि इमरान खान के पीछे आर्मी और आईएसआई है कि जो इनको ताकत में लेकर आई है। ये जो खलाई मखलूक वाला नैरेटिव है, इससे इंडियन खौफजदा है। बात यह है कि चंद साल पहले अगर आप वो इमरान के इंटरव्यू उठा के देखिए जो चंद साल पहले इन्होंने जाके इंडिया में दिए थे, उसमें जो सबसे ज्यादा पिंचिंग सवाल इंडियन इनसे कर रहे थे कि जब आप प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो आप आर्मी और आईएसआई के साथ क्या करेंगे, क्योंकि आर्मी और आईएसआई रोग इंस्टीट्यूशंस हैं, पॉलिटिकल गवर्नमेंट उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकती, तो आप क्या करेंगे? तो इमरान का जवाब मुझे अभी तक याद है कि उसने कहा कि जब मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा तो मैं आर्मी चीफ को अपने आगे अकाउंटेबल करूंगा और आईएसआई मुझे जवाब देगी और मैं उसको कंट्रोल करूंगा और किसी किस्म की कोई आईएसआई रोग एक्टिविटी नहीं कर सकेगी। तो उस वक्त इमरान इनका हीरो था, पूरा इंडियन मीडिया में इनको प्रोजेक्ट किया जा रहा था कि पाकिस्तान का नया प्राइम मिनिस्टर इंडिया के लिए एक उम्मीद है। अब चूंकि नवाज शरीफ पे इन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी, इन्होंने महमूद अचकजई पे और फजलुर रहमान पर और इन्होंने असफंदियार वली पर इन्वेस्टमेंट की हुई थी और ये सारे एसेट इस वक्त इस इलेक्शन में पार्लियामेंट से बाहर हो गए, तो इस वक्त इंडिया को पैनिक यह है कि इस वक्त इमरान को चूंकि आर्मी और आईएसआई उनके ख्याल में लेकर आई है, इसलिए वो इमरान से खौफजदा। सर ये ख्याल दुरुस्त अगर है, आज इमरान वही स्टेटमेंट रिपीट कर दे। जी ये सर ख्याल दुरुस्त है, क्योंकि यहां पर भी तो बड़ी आवाज उठाई जा रही है कि इंजीनियर्ड इलेक्शंस थे, एस्टेब्लिशमेंट थी, धांधली हुई और लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ अदर स्टोरीज। इलेक्शन इंजीनियर्ड, इलेक्शन के इंजीनियर्ड होने के बारे में तो कोई एविडेंस इस लिहाज से नहीं आई कि इवन यूरोपियन यूनियन कमीशन ने भी कहा कोई धांधली का सबूत एज सच नहीं मिला। बाकी जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, छोटा मोटा मिसमैनेजमेंट तो हमेशा होता ही है, लेकिन कराची से लेकर पेशावर तक इतने बड़े लेवल के ऊपर इलेक्शन को इंजीनियर करना पॉसिबल नहीं है जब इस कदर मीडिया और इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स और सोशल मीडिया मौजूद हो। बात यह हुई है कि यस बेनिफिट हुआ है पीटीआई को, चूंकि पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के खिलाफ अकाउंटेबिलिटी हो रही थी, उनका जो पीएमएलएन का चीफ था वो जेल जा चुका था, इसमें डिमोरलाइजेशन थी और लोगों को एक अंदाजा हो रहा था कि एक एग्रेसिव ट्रेंड जो है वो पीटीआई का है, और जैसे लोग अपना सेल्फ इंटरेस्ट देखते हैं ठीक है, तो लोगों है। ने पीटीआई को ज्यादा वोट दिया। ठीक है राणा साहब, अब तो ये जो बात नैरेटिव डेवलप हुआ है कि जी जी सर जी, बस मैं आखिरी जुमला खत्म कर रहा हूँ। ये परसेप्शन जो आप कह रही हैं कि इमरान के खिलाफ इंडिया इतना बोल रहा है, आज अगर इमरान को स्टेटमेंट आर्मी और आईएसआई के खिलाफ दे दे तो इंडियन मीडिया इसको दोबारा हीरो बना लेगा। आप नोट कर लें इस बात को, इमरान को ऐसी गलती करनी नहीं चाहिए वैसे। ठीक है राणा साहब, अब ये जो बात की जाती है, सर मैं ये सवाल